अरे चांद पे जाना वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है समाज के लिए। मैं आप ही की बात दोहरा रहा हूँ कि ये आपने ही जोड़ा है, मैंने नहीं जोड़ा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पे हूँ और मेरा सिर्फ एक सवाल है सरकार से, अगर जाति जनगणना जरूरी है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो टेस्ट लिखेगा और हमको दिख रहा है रोग क्या है, उसके बाद भी डॉक्टर उस चीज के लिए टेस्ट लिख रहा है दवा देने की जगह, तो कहीं ना कहीं उस डॉक्टर से भी पूछना पड़ेगा सर। नुकसान क्या हमको ये बताइए, नुकसान देखिए ये 500 करोड़ ना सरकार अपने फंड से निकाल सकती है ना कहीं से प्रकट होते हैं, ये मेरे और आप सबके मेहनत से 6400 करोड़ खर्चा कर दिए साल में। वही तो कह रहा हूँ, आप 6400 करोड़ और 500 करोड़, उन्होंने 6400 करोड़ में जो जो विज्ञापन किए होंगे, जो भी किया होगा उसका भी जब बात होगा और मेरे पास कोई डेटा होगा तो जरूर आपसे शेयर करूंगा। सामाजिक तौर पर क्या नुकसान होता है, G20 का बजट था 900 कुछ करोड़ लेकिन यह बजट खर्च किया जा रहा है 4400 करोड़। भैया इसमें जरा कुछ भूल लीजिए आप, ये जनता का पैसा नहीं है, जनता का पैसा नहीं है। वाह वाह, देखिए नुकसान नहीं है, बताइए आप क्या लड़ाई हो गया, कहाँ लड़ाई हो गया, किसी का जाति कम है किसी का कम है, देशी है, इसलिए जो है जो देखिए दबाव हम लोग आपस में जाति बात में होते, दबाव नहीं बनाया तो नहीं बताइए आप, जाति कौन बनाया, जाति पहले फंड बना था उसके बाद जाति बना, पहले फंड व्यवस्था था व्यवस्था, अरे हम ही लोग बनाए और कौन बनाया, ऊपर वाला के थोड़ी ना, हम लोग शादी को आप किसी जाति को शादी अपना शादी करिएगा, बेटी शादी करिएगा, आप जाति पूछते हैं शादी का लगाइए, हम डूबे हैं पांडे हैं जाति वहाँ गर्म महसूस होता है, सोच को बता दें चुनना आपको है, मेरे नजरिए से जन विकास जरूरी है, मुझे उस 6400 करोड़ पे भी आपत्ति है 500 करोड़। चलिए एक सवाल लेते हैं सर, मीडिया हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, स्पोर्ट हो, कल्चर हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, सब में अब अग्नि जाति के लोग हैं, उनकी संख्या पता चल गई 10.5% है हिंदू अग्नि जाति की और उनकी उनकी वहाँ पे भागीदारी है 90%+ में, तो क्या जो लोग छूट गए हैं उनके लिए उसके लिए भागीदारी की बात वहाँ पे नहीं होनी चाहिए? ये बताइए, ये जो जनगणना से आप जाति जनगणना से रेशियो लेके आए 10.5% अग्रिम जाति के लोग जो है सरकारी रेजुलेशन में अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं, सरकारी महकमे में, यही कहना चाह रहे हैं आप, सरकारी प्राइवेट हर जगह, हर जगह महकमे, हर जगह हर महकमे में ऊपर जमीन रखे हुए हैं सर, वही तो उनको लीजिए, सरकारी महकमे में सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, बाकी के लोग हमारे पीछे बैठे हुए हैं, यही कहना चाहते हैं। अरे तो सबको एक साथ लाने के लिए क्या जरूरी है, आज आज आप